Hello students, welcome back to the channel of Skylight Educators and to the CUT Accountancy MCQ Practice Series 1.0. हमारा target है total 1000 MCQ questions solve करना और आज की इस video में हम लोग अपने first 300 questions जो है वो complete कर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के 10 questions। देखिए, so question number 291 on dissolution of a firm. A firm paid 10,000 for realization expenses which is to be borne by a partner. Which account will be debited? ठीक है, so ये basically क्या कह रहा है कि एक realization expenses है, वो basically किसने pay करने थे? वो partner ने pay करने थे, लेकिन उसको किसने pay किया? उसको firm ने pay किया। So इस case में इसकी जो journal entry बनती है, that is concerned, जो भी partner है, concerned partners capital account debit to cash or to bank। ठीक है, ये entry है payment की, कि जब पेमेंट जो है वो पार्टनर के बिहाफ पे हम लोगों ने किया, तो इस केस में किसको हम लोग डेबिट करेंगे? इसमें हम लोग कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, सो यहां पर आ जाएगा आंसर नंबर बी। ओके, सो ये जो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस होते हैं बेटे, ये सीयूटी में आने के चांसेस इनके ज्यादा हैं, बोर्ड के पेपर में जो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस होते हैं इनके चांसेस थोड़े से कम होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, सो यहां पर हमारे पास सबसे पहले पॉइंट दिया गया, एक्स एक पार्टनर है हु वाज अपॉइंटेड to look after the dissolution work for which he was allowed a remuneration of 10,000 and he agreed to bear the dissolution expenses and actual expenses were 9,500 were paid by the ex. तो हमें यहाँ पर actual expenses का कुछ भी नहीं करना, क्योंकि उसने agree किया था कि वो expenses को pay करेगा और उसने उनको pay भी कर दिया है और हमारे लिए जो remuneration हमने उसको दी है that is 10,000. तो हमारी जो journal entry बनती है वो बनती है realization account debit to ex capital account. ठीक है, so ये देखते हैं जरा कहाँ पे ये है, ये रहा ये point 1 का सी। सो चेक कीजिए हमारे पास 1 का सी कहां पर गिवन है। सो ए और बी, इन दोनों में 1 और 1 का सी है, सो इट मींस कि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर 2 का ए 2 का डी, यहां पे 3 का डी और 3 का बी है, 4th का बी और 4th का ए है। सो इन दिस केस हमने अगर इन में से किसी एक भी पॉइंट को सॉल्व कर लिया तो हमें हमारा डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, क्योंकि हमें इतना पता है कि 1 का तो सी है। ठीक है, ये तो क्लियर हो चुका है। सो आंसर जो है वो इन दोनों में से ही है। सो कोई भी एक पॉइंट जो आपको आसान लगता है आप उसको सॉल्व कीजिए और डायरेक्ट आप लोग आंसर इसको फाइंड आउट कर लीजिए। सो मैं इस फॉर द टाइमिंग में पॉइंट नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूं। देखिए, सो एक्स एक पार्टनर है हु वाज अपॉइंटेड, इसको रेमुनरेशन दी जा रही है 10,000 एंड एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ 9,500 वर पेड बाय द फर्म। सो मैं इसकी एंट्री आपको करके दिखाता हूं, ऑल्दो ये लेंथी केस है फिर भी मैं कर देता हूं। देखो, सो हमने पहले उसको क्या अलाउ की, एक रियल एक कमीशन और रेमुनरेशन अलाउ की, तो एंट्री बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स। ठीक है, अमाउंट हमने कितना दिया उसको 10,000 एंड 10,000। आफ्टर दैट हम लोगों ने एक्स के बिहाफ पे पेमेंट की, एंट्री बनी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक। ठीक है, कितने की 9,500 की। सो इन दिस केस अब चेक कीजिए हमारी नेट इफेक्ट की एंट्री क्या बनती है, एक्स क्रेडिट है 10,000 से, डेबिट है 9,500 से, तो इट मींस कि एक्स जो कैपिटल अकाउंट है अब वो क्या होगा, वो क्रेडिट कितने से होगा 500 से, और रियलाइजेशन अकाउंट जो है ये डेबिट कितने से होगा 10,000 से, और कैश या बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट कितने से होगा 9,500 से। सो ये एंट्री चेक कीजिए अब हमारे ऑप्शंस में कहां पर गिवन है। सो ऑप्शन नंबर ए है ना, सो हमने क्या सॉल्व किया था, ये वाला सॉल्व किया था। सो ऑप्शन नंबर ए में सेम एंट्री है हमारे पास जो मैंने किया अभी, सो इट मींस कि 2 का ए हमें यहां दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर अगेन। सो अब मुझे 3rd का डी और 4th का बी, ये आंसर मुझे डायरेक्टली मिल गया। सो मुझे ये दो पॉइंट सॉल्व करने की यहां नीड ही नहीं है, क्योंकि अब मेरा आंसर ऑलरेडी आ चुका है। सो ये एक टाइम सेविंग टेक्निक है जो आप अपने पेपर में यूज कर सकते हो। तो जरूरी नहीं कि आपको सारे के सारे पॉइंट जो है वो सॉल्व करने हैं, आप कोई भी एक पॉइंट पहले सॉल्व कीजिए, कॉम्बिनेशन बनाइए और चेक कीजिए कि आगे अगर सिमिलर पॉइंट्स नहीं है, और बाय चांस अगर होते हैं तो उसको भी मैं सॉल्व ना करता, क्योंकि वो भी मेरा डायरेक्ट आंसर होता। ऐसे बहुत सारे जो तरीके हैं मैंने पिछले पूरी सीरीज के अंदर आते आते कई सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस में ऐसी चीजें मैंने सिखाई हैं। तो अगर आपने वीडियोस को अभी तक भी नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ओके, सो एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी When paid at the time of dissolution should be debited to. So कोई भी unrecorded liability अगर arise होती है हम उसको pay करते हैं तो वो realization account के through ही pay होगी और उसकी entry बनेगी realization account debit to cash or to bank. चलिए आसान था ये काफी, आगे चलते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास gain और loss पूछा जा रहा है, चलिए इसको calculate करेंगे। So A B partners हैं और ये profit share इन दोनों का 3:2 की रेशियो में। आफ्टर दैट हमें डेटर्स गिवन है ग्रॉस 50,000 और प्रोविजंस गिवन है 5,000 पे। आफ्टर दैट हमें बोला गया डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹40,000 वर रियलाइज्ड ओनली। ओके, सो हमें कितने रियलाइज हुए, सिर्फ 40,000। सो बेसिकली आपको इसको ना अकाउंट बनाकर ही करना है, ओरली कभी मत करना। देखिए, सो जब आप एसेट्स को क्लोज करते हो तो हम डेबिट साइड क्लोज करते हैं, तो यहाँ पे डेटर्स जो है वो ग्रॉस वैल्यू यानी 50,000 पे क्लोज हुए और इनका हमारे पास प्रोविजन कितना था 5,000 था। सो प्रोविजन किधर क्लोज होगा, यहाँ पर क्लोज होगा। अब इन एसेट्स को जब रियलाइज किया गया तो ये रियलाइज हुए कितने वैल्यू पे,
40,000 की वैल्यू पे, है ना। इसके अलावा हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं है, और प्रोविजन तो रियलाइज होंगे नहीं क्योंकि हमारा ही बैलेंस है। अब आप चेक कीजिए कि डेबिट कितना है आपका, 50,000, इसमें से 40 और 5 माइनस करेंगे, सो 5,000 का आपको यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपको लॉस हो गया। अब ये पूछता क्या है, रियलाइजेशन का गेन या लॉस ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी विल बी। सो 5,000 का जो लॉस जब हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनकी रेशियो में, ये बन जाएगा 3,000 एंड 2,000, ठीक है। सो दोनों पार्टनर जो है वो हमारे डेबिट होने चाहिए। सो रियलाइजेशन लॉस यहाँ पर हमारे पास है 3,000 2,000, सो दिस इज द आंसर, पॉइंट नंबर सी, ठीक है। आप हो क्या सकते हैं, आप में से हो सकता है कुछ लोग गलती ये करें, आप ये देखो डायरेक्टली कि 50,000 के डेटर्स को 40,000 पे किया है तो 10,000 का नुकसान हुआ, आप इस तरीके से देख सकते हो, लेकिन 5,000 के प्रोविजन भी थे हमारे पास, तो उसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये काफी, चलिए ओके। सो इसके बाद हमें बोला है बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर इन देयर, ओके। सो कौन सी रेशियो में जाता है, तो यहां पर कोई भी ओल्ड का, न्यू का, गेनिंग का, सेक्रीफाइजिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, जो भी आपसे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है, उस रेशियो के अंदर हम लोग ट्रांसफर करेंगे। सो आंसर इज पॉइंट नंबर बी। अब यहाँ पे कैपिटल रेशियो और लोन रेशियो दी गई है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं है। आगे चलते हैं, ओके। अगेन हमारे पास सिमिलर ही एक पॉइंट है जैसा हमने डेटर्स वाला किया था, चलिए इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए पी क्यू पार्टनर है, 3:2 की रेशियो है, क्रेडिटर है हमारे पास 20,000, एंड क्रेडिटर्स वर पेड 5% लेस, कितना कम पे किया गया उनको, 5% लेस, यानी कि यहाँ पर 1,000 से कम पेमेंट हुई है, तो 19,000 की पेमेंट हुई है। अगेन अब मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसको डायरेक्ट करें, सो ध्यान से देखिए। सो लाइबिलिटीज को क्लोज कहाँ किया गया, इस तरफ, तो 20,000 का क्रेडिट बैलेंस है रियलाइजेशन का, पेमेंट हुई कितने की, 19,000 की, सो ऑटोमेटिकली आपको कितने का गेन हुआ, 1,000 का गेन, ठीक है, इसको मुझे इस तरफ लिखना था, तो 1,000 का आपके पास क्या आ गया, 1,000 का गेन आ गया। अब 1,000 का गेन कौन सी रेशियो में जाएगा, 3:2 की रेशियो में, तो 600 एंड 400, ठीक है जी। तो देखिए अब रियलाइजेशन गेन हमारे पास आ रहा है 600 एंड 400, सो दिस इज द आंसर, ए का 600, बी का 400, 3:2 की रेशियो में, ओके। आगे चलते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज 297, और ये क्या कहता है, देखिए, सो ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म लोन बाय पार्टनर गिवन इन दी बैलेंस इज टू बी ट्रांसफर्ड टू, सो बैलेंस शीट होना चाहिए यहाँ पे, कोई बात नहीं। सो देखिए ये कह रहा है कि आपके पास अगर लोन बाय पार्टनर गिवन है बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, तो इसको कहाँ ट्रांसफर किया जाना चाहिए, ठीक है। सो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करें, रियलाइजेशन में, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन तो आंसर बन ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे वो प्रिपेयर नहीं होता, और पार्टनर का लोन कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में भी नहीं आता। अब सवाल उठता है कि क्या उसको कैपिटल अकाउंट के थ्रू पे करना है या लोन बाय पार्टनर अकाउंट थ्रू पे करना है, ठीक है। सो आपने क्या ध्यान रखना है हमेशा कि इसको पे किया जाता है हमेशा कौन से अकाउंट से, लोन बाय पार्टनर पहले। सो जो भी पार्टनर का लोन अकाउंट है हम उसमें यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट, जितना भी बैलेंस होता है, लेट्स अज्यूम 10,000, आफ्टर दैट इसकी जो पेमेंट होती है वो कहां से होती है, बैंक अकाउंट से। तो यहां पर क्या लिखोगे अब आप, टू बैंक अकाउंट 10,000, ठीक है। तो इस तरीके से लोन अकाउंट को जो है वो क्लोज कर दिया जाता है। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ कहीं पर भी बैंक अकाउंट ऑप्शन नहीं है, तो मैं इसका करेक्ट आंसर जो है वो लोन बाय पार्टनर ही करूंगा, कि मैंने एक लोन बाय पार्टनर अकाउंट ट्रांसफर किया, मतलब बैलेंस शीट से बैलेंस को लोन बाय पार्टनर अकाउंट में ट्रांसफर किया और फिर वहां से इसको सेटल कर दिया, ठीक है। चलिए कंफ्यूज नहीं होना, चलिए आगे चलते हैं। सो देखिए नेक्स्ट इज ऑन डिसोल्यूशन द जनरल रिजर्व अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट शुड बी ट्रांसफर टू डायरेक्टली टू द क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये रियलाइजेशन अकाउंट में कभी भी नहीं जाता, तो ये दो तो आंसर हमारे हो नहीं सकते। और रिजर्व्स का जो बैलेंस होता है वो एक क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। सो जब उसको क्लोज करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे, चलिए। सो आंसर इज पॉइंट नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 299, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म व्हिच आइटम ऑफ द लायबिलिटी साइड आर टू बी पेड लास्ट, ओके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे लास्ट में पे की जानी चाहिए। देखो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में होता क्या क्या है जो पेमेंट करनी है, देखो एक तो कैपिटल के बैलेंसेज है ना, एक कैपिटल के बैलेंसेज है, एक पार्टनर का लोन अकाउंट होता है, और एक थर्ड पार्टी होती है, कौन सी होती है, थर्ड पार्टी। तो सबसे पहले हम लोग थर्ड पार्टी की पेमेंट करते हैं हमेशा, उसके बाद हम लोग पार्टनर्स के लोन की पेमेंट करते हैं, और सबसे लास्ट हम किसको पेमेंट करते हैं, हमारे पार्टनर्स के कैपिटल, ठीक है। सो देखो क्रेडिटर्स को यहाँ सबसे पहले करेंगे, और बैंक के लोन को भी सबसे पहले देंगे, पार्टनर के लोन को उसके बाद पे करेंगे, और फिर सबसे लास्ट में हम लोग पे करेंगे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, चलिए ओके। सो ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बैंक लोन इज ट्रांसफर टू, अगर बैंक का लोन है तो उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा। सो बैंक का लोन क्योंकि एक थर्ड पार्टी है, ठीक है, वो मैंने 3 लिख दिया यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी लिखना चाहिए था, ठीक है। सो इट्स अ थर्ड पार्टी यानी आउटसाइडर्स लोन है, तो इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, टू दी रियलाइजेशन अकाउंट, इसको रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू पे किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं,
ओके, आई एम सो सॉरी। सो हमारे 300 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। सो आज की इस वीडियो के 10 क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ आए हों मेरे इन क्वेश्चंस के थ्रू। आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ तो अपग्रेडेशन हो रहा होगा। सो आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चलती हो। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में अगले 10 क्वेश्चन के साथ।